विनेगर अल्कोहलिक लिक्विड है जिसका इस्तेमाल खाने में खट्टा स्वाद देने के लिए करते हैं। कुछ खाने की चीजों में विनेगर का इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के लिए भी करते हैं। अलग अलग टाइप के विनेगर आते हैं जिसके अलग यूजेस होते हैं, जैसे एप्पल सीडर विनेगर है जिसके मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। आजकल विनेगर का इस्तेमाल काफी फास्ट फूड्स में भी किया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि खाने में विनेगर का इस्तेमाल काफी सालों से किया जा रहा है। पुराने समय में विनेगर का इस्तेमाल खाने को फ्लेवर देने के सिवा दवाई में भी किया जाता था। विनेगर टेस्ट में काफी खट्टा और अजीब टेस्ट करता है, जिससे आप ऐसे ही नहीं खा सकते। उसकी टेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग होती है। पर क्या आप जानते हैं विनेगर बनता कैसे है? विनेगर बनाने का एक लॉन्ग प्रोसेस है जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि विनेगर ये नाम कैसे मिला। विनेगर फ्रेंच वर्ड है जिसमें विन का मतलब होता है वाइन और ईगर का मतलब होता है सार। इस तरह से विनेगर अल्कोहल से बनता है और उसकी टेस्ट खट्टी होने के कारण उसे विनेगर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि विनेगर बनने में कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं और उसका प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। पुराने समय में विनेगर बनाना फ्रांस का प्रॉफिटेबल बिजनेस था। फिर विनेगर्स को अलग अलग जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता था। ईयर 1673 ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया कि पार्लियामेंट ने उस पे टैक्स चालू किया। तभी के वक्त में विनेगर बनाने के लिए मिर्च, लौंग, सौंफ और रास्पबेरीज का इस्तेमाल होता था, पर अब इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। पहले विनेगर बनाने की प्रोसेस में काफी वक्त भी लगता था, इसीलिए अब प्रोसेस भी चेंज की गई है। अभी विनेगर बनाने में काफी वैरायटी के डाइल्यूटेड अल्कोहल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे कॉमन है वाइन, बियर और राइस। वाइन या फ्रूट जूस को विनेगर में ट्रांसफॉर्म करना एक केमिकल प्रोसेस है, जो फर्मेंटेशन या फिर जनरेटर मेथड के इस्तेमाल से किया जाता है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। पहले के वक्त में विनेगर बनाने की दो ही प्रोसेस थी, नेचुरल प्रोसेस और स्लो प्रोसेस, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग थे। अभी विनेगर मैन्युफैक्चरिंग में दो मेथड यूज की जाती है, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन मेथड और जनरेटर मेथड। डिटेल में देखते हैं कि अब ये दोनों मेथड से विनेगर कैसे बनता है। सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन मेथड। सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन मेथड ज्यादातर वाइन विनेगर प्रोडक्शन के लिए यूज करता है। प्रोडक्शन प्लांट्स में बड़े स्टेनलेस स्टील टैंक्स होते हैं, जिसे एस्टेटर्स कहते हैं। एस्टेटर के बॉटम में सेंट्रीफ्यूगल पंप्स किए होते हैं, जिससे टैंक में एयर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह एक्वेरियम टैंक में बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक उसी तरह से इस टैंक में भी बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। पर इन बबल्स का काम क्या होता है? जैसे पंप के मदद से अल्कोहल मिक्स होता है, एस्टोजाइम न्यूट्रिएंट्स टैंक में ऐड किए जाते हैं, तब ये ऑक्सीजन बबल्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऑक्सीजन बबल्स के कारण न्यूट्रिएंट्स एस्टोबैक्टर में ग्रो होने लगते हैं। उसके बाद कुछ घंटों में अल्कोहल प्रोडक्ट पूरी तरह विनेगर में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह फर्मेंटेशन की प्रोसेस से विनेगर बनता है। जनरेटर मेथड। ज्यादातर डिस्टिल्ड विनेगर्स जनरेटर मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। डिस्टिल्ड विनेगर बनाने के लिए डाइल्यूटेड लिक्विड बॉयलर में डाला जाता है और ये लिक्विड को अच्छे से बॉयल होने देते हैं। फिर उसमें जो वेपर निकलता है, उस वेपर को कंडेंसर में जमा करते हैं, जो ठंडा हो जाने पर से फिर से लिक्विड बनता है और इस लिक्विड को डिस्टिल्ड विनेगर कहते हैं। इसके बाद विनेगर्स को डिजाइन किया जाता है, जो विनेगर का टाइप पे डिपेंड करता है, यानी अलग अलग टाइप के विनेगर्स प्रोडक्शन प्लांट पे भेजे जाते हैं। फिर उस विनेगर को वाइन विनेगर, सिडर विनेगर और डिस्टिल्ड विनेगर ऐसे अलग करके बॉटल में पैक किए जाते हैं। इसे विनेगर डिजाइनिंग प्रोसेस कहते हैं। विनेगर डिजाइन करने की स्टेप एक रेसिपी है, जिसमें फूड साइंटिस्ट लेबोरेटरीज में अलग अलग रेसिपीज बनाकर विनेगर टेस्टिंग करते हैं। विनेगर की प्रोसेस यहीं पे खत्म नहीं होती है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट विनेगर की क्वालिटी चेक करते हैं। विनेगर में एस्टोबैक्टर्स नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं, जिससे विनेगर बनता है, उस पे किसी का सुपरविजन होना जरूरी होता है। जनरेटर मेथड में भी सुपरविजन काफी जरूरी होता है, क्योंकि टैंक में टेम्परेचर 80 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होना जरूरी होता है, इसीलिए वर्कर्स बार बार टेम्परेचर चेक करते हैं। और कभी इलेक्ट्रिसिटी गई तो कुछ ही सेकेंड्स में एस्टोबैक्टर्स बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं
और अगर ये बैक्टीरिया नहीं रहे तो विनेगर बनना मुमकिन नहीं है। तो इस तरह से लॉन्ग प्रोसेस करने के बाद विनेगर बनाया जाता है। उसके सिवा अलग अलग विनेगर बनाने में अलग मेथड्स भी इस्तेमाल होते हैं, जिनकी हर एक की अलग प्रोसेस है। इन सारी प्रोसेस के बाद विनेगर मार्केट में अवेलेबल होता है। तो अब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।